वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पवन बाबर अंसारी आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई। आज के एपिसोड में लेट्स सी क्या बच्चन पांडे संडे को बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पाई या वापस से पहले दो दिनों की तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लैट रही। पहले गाइस एपिसोड से पहले कलेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। डे वन 13.25 करोड़, डे टू ओनली 12 करोड़ एंड गाइस इसी के साथ बच्चन पांडे ने दो दिनों में 25.25 यानी कि 25.25 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली है। आज की बात करें तो गाइस सबसे बड़ा झटका बच्चन पांडे को ये लगा कि जो शो काउंट के साथ बच्चन पांडे ने अपना वीक जो है वो शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली वो शो काउंट संडे तक बरकरार नहीं रहा। मुंबई में सिर्फ 524 शोज। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चन पांडे अपने तीसरे दिन पर जो शोज है वो भी रिटेन नहीं कर पाया। अब गाइस दुख जो है वो और इस तरह से बढ़ेगा कि कल मंडे का दिन है। मंडे डेफिनेटली ये 524 का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 470 यानी कि शोज तो थे बच्चन पांडे के पास कलेक्शन करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए उसके शोज भी द कश्मीर फाइल्स के पास चले गए एंड मंडे ये सिनारियो और खराब होते हुए दिखाई देगा। अब गाइस बात करूं यहां फ्राइडे की, तो फ्राइडे डेफिनेटली 13.25 करोड़ कलेक्शन तो आए हैं, लेकिन गाइस मंडे को ये फिल्म कहीं ना कहीं 8-8.5 ये रेंज में कमाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इस फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा। बात करें गाइस मुंबई की, तो आज मुंबई में 524 शोज थे। मॉर्निंग ओपन वेरी बैड, ओनली 16% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 25% था एंड गाइस इवनिंग के शोज अभी फिलहाल 50% पे चल रहे हैं। बट फ्रेंड्स सबसे बड़ी दुख की बात यह है यहां पर कि वो सिनेमाघर, यस फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो सिनेमाघर जहां पर अक्षय सर खुद गए गाड़ी लेकर, इतना बड़ा वहां पे तामझाम किया, एडवांस बुकिंग इस तरह से खोली वहां पर एंड इस तरह से लोगों का प्यार बटोरा गेटी, वहीं से बच्चन पांडे को निकाल दिया गया। दिस इज एब्सोल्युटली सैड। ये पहले भी हुआ है, राधे श्याम को गेटी से निकालकर बाजू के थिएटर में लगा दिया एंड अब यहां पर बच्चन पांडे को गेटी से निकालकर गैलेक्सी में लगा दिया। देखिए गाइस ये जो शोकेसिंग रहती है अगर यू नो पूरे हफ्ते के लिए आप जैसा है वैसा रखे तो काफी अच्छा होगा। इससे क्या होता है कि यू नो फैंस का दिल भी टूटता है एंड अच्छा नहीं लगता ऐसी चीजें होने के लिए एंड आज अनफॉर्चुनेटली बच्चन पांडे गैलेक्सी में, ये नहीं कि गैलेक्सी कोई छोटा थिएटर है लेकिन गेटी का एक अलग ही रुतबा रहता है एंड जब फिल्म गेटी में लगी थी एडवांस बुकिंग बाकायदा अक्षय सर आके गेटी में शुरू करके गए थे तो उसको पूरा हफ्ता कंटिन्यू करना था। तो फ्रेंड्स बात करूं रात के सीन्स की, तो रात के सीन्स बहुत ही खराब है। इट ब्रेक्स माई हार्ट कि गैलेक्सी जैसा इतना बड़ा थिएटर 9:45 पूरा का पूरा खाली है। गाइस बच्चन पांडे डिड नॉट पिक अप। यहां पर किसी भी दूसरे फिल्म को दोष देने की जरूरत नहीं है कि इस फिल्म की आंधी की वजह से ये फिल्म नहीं चली, ये फिल्म में दम ही नहीं था इसीलिए ये फिल्म नहीं चली। डू नॉट ब्लेम एनीबॉडी, सीरियसली बोल रहा हूं, अगर फिल्म दम होता तो एटलीस्ट गैलेक्सी संडे को इक्कार से बेकार फिल्म फूल जाती है गेटी गैलेक्सी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैलेक्सी इज एम्प्टी फॉर बच्चन पांडे। बात करेंगे अभी टोटल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की, तो मॉर्निंग शोज पूरे इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 13% पे ओपन हुए, आफ्टरनून 30% था, इवनिंग 46 था एंड रात के शोज अभी अच्छे चल रहे हैं 50% के। बात करो दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में 631 शोज थे 45% की ऑक्यूपेंसी जो कि काफी अच्छा था। पुणे में 175 शोज थे 32% ऑक्यूपेंसी, प्रीटी गुड। बेंगलुरु की बात करो तो सिर्फ 156 शोज है एंड ऑक्यूपेंसी सिर्फ और सिर्फ 19% की है। हैदराबाद में सिर्फ 21% की ऑक्यूपेंसी है, 171 शोज। कोलकाता डूइंग रियली डिसेंट बिजनेस, 33% ऑक्यूपेंसी है, 280 शोज। चेन्नई की बात करूं बेस्ट चल रहा है, 50% की ऑक्यूपेंसी है एंड 70 शोज जो कि काफी पॉजिटिव है। सूरत डूइंग वेरी गुड, 48% ऑक्यूपेंसी, 145 शोज है। जयपुर इज अ सॉरी अफेयर, 22% ऑक्यूपेंसी, 107 शोज है। चंडीगढ़ में 18% की ऑक्यूपेंसी है, 90 शोज है। बात करूंगा इस भोपाल की, तो भोपाल ऑल्सो इज वेरी डिसेंट, 18% की ऑक्यूपेंसी है, 65 शोज है एंड लखनऊ में 129 शोज में 43% ऑक्यूपेंसी। यानी कि बच्चन पांडे ने कई जगहों पर जंप लिया एंड कई जगहों पर नहीं चली, लेकिन ड्यू टू द लिमिटेड शोज यानी कि सैटरडे के मुकाबले संडे जो शोज थे वो कम थे इसीलिए फिल्म उतना नहीं कमा पाएगी। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर बच्चन पांडे ऑन इट्स थर्ड डे विल बी कहीं ना कहीं 13.5 से 14.5 करोड़। बुरा लगता है, अक्षय सर एंड पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए
एवरीवन हैज वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर दिस फिल्म, ओनली एक्सेप्ट वन पर्सन, द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, ओके। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी कभी दिवाली के बाद अगली फिल्म फराज सामजी को सोच समझ के न दिया जाए तो बेहतर हो, क्योंकि गाइस कभी कभी दिवाली का डायरेक्टर अब चेंज नहीं हो सकता, वो फिल्म फ्लोर्स पर जाने वाली है। लेकिन मेरी आपसे विनंती है, अक्षय सर आप ऐसे डायरेक्टर का काम किए, सब सेल्फी में काम कर रहे हैं विराज मेहता के साथ, ब्रिलियंट डायरेक्टर, अक्षय सर इज नाउ इन भोपाल टू शूट फॉर सेल्फी, वी हैव अ राम सेतु, हाँ वी हैव अ रक्षाबंधन, हाँ वी हैव OMG 2, वी हैव ह्यूज मूवीज, व्हाई वर्क विथ फरहाद सामजी मैन, क्या मजबूरी आ जाती है फरहाद सामजी के साथ काम करने के लिए, हाँ। ओके गाइस, होप आज के एपिसोड सभी लोगों को समझ में आएगा। लेट्स सी गाइस, 13-13.5 करोड़ ये फिल्म डेफिनेटली कमाएगी, एंड कहीं ना कहीं 38-39 करोड़ इसका जो वीकेंड का टोटल रहेगा वो हो जाएगा। लेट्स सी गाइस फर्स्ट वीक कहाँ जाता है, तो वक्त ही बताया, क्योंकि अगले हफ्ते फ्राइडे से इट विल बी इम्पॉसिबल, कश्मीर फाइल्स खुद ट्रिपल आर के शोज लेने में वो व्यस्त हो जाएगी, एंड ट्रिपल आर अपने शोज लेगी, इसमें बच्चन पांडे कहाँ जाता है, अगला हफ्ता क्या होता है, योर गैस इज एज गुड एज माइन। ओके गाइस, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, बस अगली फिल्म 2-3 महीने में आ जाएगी अक्षय सर की, एंड दैट फिल्म विल बी द बिगेस्ट ओपनर फॉर अक्षय कुमार, एंड दैट इज नॉट अदर देन पृथ्वीराज। ओके गाइस, सिमावर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।